हे गाइज वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पिछले वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप लोगों ने की होगी। तो दोस्तों ये जो मैच होने वाला है CRY और EVE के बीच में दोस्तों प्रीमियर लीग होने वाली है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फुटबॉल का मैच होने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू के घंटे को बजा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पहले जो टीम है मेरी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने मेरी जो टीम है वो बना चुकी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा थोड़े जो चेंजेस है यहाँ पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो गोलकीपर है हमारे WNC जो है अभी तक उनका फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा रहा है, उनको इस बार लेना बहुत ज़रूरी होगा। और ऑप्शन के लिए मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर एम स्ट्रिकिन को जो कि अच्छे फॉर्म में चल सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो है अभी हेंसी जो है हमारे गोलकीपर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर डीप में देख लेते हैं एक बार। दोस्तों डीप में जो है एल लेंगे, एम सैको जो है यहाँ पर हम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आप यहाँ पर एक चेंजेस करते हो एम के लिए जो है इनको भी ले सकते हो दोस्तों, बट फिलहाल जो है मैं यहाँ पर एल डेंगे इनको लेना चाहूँगा क्योंकि उनका जो पिछला मुकाबला हुआ था दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा था, वो अभी तक मतलब अच्छे से ग्रो करवा लेते हैं टीम को, तो उनको लेना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ एस कॉलमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है दोस्तों, तो उनको भी लेना ही होगा। यहाँ पर जे वाइट की जगह पर दोस्तों आप जी चिल को जो है वहाँ पर उनको भी ले सकते हैं। तो लेकिन क्या है ना दोस्तों कि जी चिल के लिए ये मैच इतना मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उनको लोग इतना रिस्पांस नहीं आया उनका, तो उनको भी एक वो हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिड बिल्डिंग में देखा जाए तो जी सिग्रोडसन जो है वो भी अच्छे फॉर्म में चलने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से जो है फॉर्म करने वाले, टीम के लिए परफॉर्म जो अच्छे देने वाले। रिचर्डसन जो है वो भी हमें ले सकते हैं दोस्तों, बट इनकी वजह जो जी सिंगरसन जो है वो काफ़ी अच्छा फॉर्म में चलेंगे, वो सेकेंड टर्म के लिए आप रखना चाहें जो इनको भी रख सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल अभी जो है जी सिंगरसन जो है उनको लेना जरूरी होगा मिड फील्डिंग के बीच में। तो यहाँ पर टी वेलकट जो है उनको, WZA और एटोरेंस जो है ये बंदे जो है काफ़ी अच्छे, और यहाँ पर ए जॉम्स जो है इनके लिए भी मैच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर इनको भी लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस तरह से हमारे ये जो है मिड बिल्डिंग में हो जाते प्लेयर्स, यहाँ पर हम जो है पाँच मिड फील्डर्स लिए ताकि अच्छे से ज़्यादा पॉइंट मिले। और यहाँ पर जो है हमारे जो है बेंकटेक जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों मॉइस जो है मॉइस भी खेलेंगे दोस्तों, बट उनके लिए उनका मतलब थोड़ा लेना रिस्की होगा दोस्तों, क्योंकि इनके मुकाबले जो हिस्ट्री दोस्तों मैं उसके ऊपर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि उनको लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बाकी आपकी मर्ज़ी यार। यहाँ पर फिलहाल मैं जी बेंटेक को ले लेता हूँ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें आता है सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो कप्तान और वॉइस कप्तान होते हैं दोस्तों। यार एक बात बोल दूँ मैं आपको क्लियरली कि दोस्तों यहाँ पर जो है हो सके उतना यार हेड टू हेड खेलो, हेड टू हेड शॉट मारो डायरेक्टली। अगर आप किसी तो वो 33 का या फिर कोई मुकाबला मेगा कॉन्टेंट ज्वाइन करते हो तो उसमें आप रैंक आपकी रैंक हो जाएगी दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी एक बड़ा मुकाबला होता है, बहुत ही फंसाऊ मुकाबला होता है, तो आप हो सके उतना हेड टू हेड खेले और ज़्यादा से ज़्यादा विन करें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप वॉइस कप्तान और कप्तान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो फिलहाल जो है मैं कप्तान जो है यहाँ पर सी बेंटेक जो है उनको लेना पसंद करूँगा क्योंकि इनके लिए भी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर उनको ले लेते हैं। और दूसरा जो है हमारा वॉइस कप्तान जो है दोस्तों यहाँ पर जी सिग्नेशन जो है ये हमारे यहाँ पर आज का वॉइस कप्तान जो है रहने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह हमारी ड्रीम इलेवन की फाइनल टीम जो है वो तैयार हो जाती है दोस्तों। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक रजा दीजिए दोस्तों, और आई होप आप सभी लोग ज़्यादा विन कर पाओगे। अगर वीडियो इतनी यार मेहनत से बनाई है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक भाई के लिए कम लाइक यार ठोक देना, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे होगी वीडियो, कैसे लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।